नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बात करूंगा, ओमान एम्बेसी ने एक बेहतरीन अपडेट दिया, क्योंकि पहले क्या एक महीने ऑलरेडी उस पर वीडियो भी बनाया था जिसमें मतलब कुछ गलत अफवाहें आ चुकी थी। उसमें आज नया अपडेट आया, उन्होंने क्लेरिफिकेशन किया है कि क्या रियलिटी क्या है अपडेट। अगर जो आप ओमान में आना चाहते हो तो मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, अगर जो आप बांग्लादेश से इस समय आना चाहते हो, क्या आपको NOC लेटर चाहिए या नहीं चाहिए, ओमान एम्बेसी का पूरा बायोडाटा आज साथ आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि ओमान से रिलेटेड नई नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रही। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो ओमान एम्बेसी, उन्होंने बांग्लादेश की अगर जो बात करें तो पहले क्या अपडेट आया था कि जैसा जिसका भी वीजा वैलिड है, मैंने वीडियो में बताया था कि मतलब जिसका भी वीजा वैलिड है उसको मतलब NOC लेटर लेना पड़ेगा, लेकिन वो गलत खबर चल गई थी ओमान एम्बेसी के द्वारा, ये मतलब अब गलत आ गया था, जिसके बाद अब नया क्लेरिफिकेशन आया जो कि बट रियल अपडेट है। उसमें उन्होंने कहा कि अगर जो बात करें ओमान में लौटने वाले इच्छुक वैध वीजा बांग्लादेश के नागरिक, अनुरूप प्रमाण पत्र NOC की आवश्यकता नहीं है। ढाका में सल्तनत के दूतावास ने मंगलवार को मतलब उन्होंने पुष्टि इसकी कर दी है। NOC लेटर अगर जो बात करें जो बांग्लादेश के नागरिक हो उनको नहीं चाहिए। अब किन को नहीं चाहिए, अभी अभी वीडियो पूरा जरूर देखें, किन लोगों को नहीं चाहिए NOC लेटर, क्योंकि बहुत सबके लिए नहीं है ये, किन लोगों के उन्होंने मतलब अगर जो बात करें तो ओमान दूतावास ने कुछ सामाजिक और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बताया गया था, मतलब वो जो बताया गया था वो मतलब थोड़ा गलत अपडेट आ गई थी, उसके लिए उन्होंने बाद में ये मतलब रियल अपडेट है। तो बांग्लादेश ढाका में सल्तनत के अपन पद की आवश्यकता में पर दूतावास ने कहा अनिवार्य NOC की खबर सही नहीं है। मतलब जो NOC उन्होंने कहा था कि NOC लगेगा, तो मैंने भी उस पर वीडियो बनाया था कि NOC पेपर आपको चाहिए, तो लेकिन आप जो नई अपडेट निकल के आ रही NOC पेपर नहीं चाहिए, किनको नहीं चाहिए, अभी पूरा रियल अपडेट आपके साथ शेयर करूं। पत्र में कहा गया था सभी साधारण दूतावास द्वारा प्रसारित समाचार सही नहीं है, ओमान अधिकारियों ने प्रमाण सूत्र से नहीं मतलब वो नहीं थी। अब बात करते हैं दूतावास ने कहा कि 1 अक्टूबर से मतलब ओमान एयरपोर्ट तो चालू कर, साथ ही आपको बता दें कि जो किन लोगों को NOC लेटर नहीं चाहिए, मान लीजिए आपका वीजा वैलिड है, नया वीजा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। नया वीजा आपको मालूम होगा कि ओमान सरकार ने जितने भी हर एक कंट्री, बांग्लादेश की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, इंडिया ले लें, पाकिस्तान ले लें, नेपाल ले लें, फिलीपीन ले लें, थाईलैंड ले लें, या और कंट्री जैसे ले लें, कोई भी कंट्री के लिए नए वीजे को जो जिनके पास भी नया वीजा अभी पहुंचा उनको अलाउ नहीं किया गया ओमान में अंदर दाखिल होने के लिए। तो उन लोगों के लिए अभी मतलब अपडेट ओमान सुप्रीम कमेटी कब देगी इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मेरा वीजा अभी आया तो मैं क्या ओमान में आ सकता हूं, तो अभी नए वीजे के लिए कोई अपडेट नहीं है। बात करते हैं जिन अगर जो इन लोगों को मतलब बताया गया है कि जो मतलब आपको बता दें कि जो लोग जिनका वैलिड वीजा है, रेजिडेंशियल कार्ड है, वर्क परमिट का जो वीजा है आपके पास है, तो फिर आप ओमान में बेझिझक आ सकते हो। आपको कोई भी NOC लेटर या कोई भी लेटर आपको कोई जरूरत ही नहीं है। आपको बता दें कि आपका PCR टेस्ट की अगर जो बात करें तो उन्होंने कहा कि ओमान की यात्रा के लिए मतलब पहले 92 घंटा, इंडिया के लिए 96 आवर था, यहाँ पे 92 आवर है PCR परीक्षण मतलब आवश्यकता है। अब ये कहाँ से आप कराओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से हम कराएं। तो जो भी आप बांग्लादेश में रहते हो, अगर जो उसकी सरकार जो भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है मतलब वैलिड है, वहां पे आपको रिपोर्ट चाहिए। ये नहीं अथू कहीं पे भी जाके करा लो, ऐसे वैसे नहीं चलेगा। जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, वैलिड है, उसी का PCR टेस्ट आप कराओ, वही ओमान में माना जाएगा। ये नहीं कि इधर उधर से करा के आओगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, तो इतना जरूर ख्याल रखिए। और कोई क्वेश्चन हो तो जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।